है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो यहाँ हो रहा है रात का डिनर। तो डिनर में बना है यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी, दाल, कद्दू, चावल, सारा कुछ बना है। तो सभी लोग यहाँ पे खा रहे हैं और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखो इनकी बिट्टू भी है, सरिता की। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ अभी एंड तक रहना। न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। नहीं 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 नहीं, तो गाइस देखो जा रही है बिट्टू। गाइस हम जा रहे हैं क्योंकि ये परेशान कर रही है ना, कुछ भी बन भी नहीं पाया ना, वीडियो बनाने दी है ना, बात करने दी है ना, गोदी आई है, इतना रो ही रही है। जा रही है, इधर देखो, बता दो, बोल दो। अच्छा, सबको अपने मुंडन में बुला लेना, कह दो मेरे मुंडन में आना। हाँ बुला रही है। आए डेट बताना। आ रहा हूँ। हाँ जा रही है यार। कैप्चर हो गया है, कैप्चर हुआ है भैया। आप तुम एडिट करें जो कहो। कुछ ना ना अभी सब देख लग पड़ गया। हमने लिया था, चोरी से दे दिया। चोरी चोरी है। बिट्टू तो एक बार भी नहीं गोदी आई है। इतने प्यार से मैंने इन्हें बुलाया था। ओ जी, इनको तो इंसानों से प्यार से क्या प्यार ही नहीं है किसी से। ये भी मासी है, ये भी सत्य रही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ टाइम नहीं दिए। हम सोच के आए थे गाइस कि हम चार पांच दिन रुकेंगे, बढ़िया से अच्छे से वीडियो बनेगी। बच्चे ऐसे हैं कि एक दिन एक पल नहीं, इनको अपनी जगह अच्छी लगती है ना। अच्छा टाटा कर लो, बाय कर दो। फिर होगी मुलाकात। मेरे मुंडन में आना, मुंडन में बताओ, सब लोगों के साथ है ना, पूरी फैमिली के साथ, सब आएंगे वीडियो सब। नहीं आएंगे यार, मुंडन का तो कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ जाग रहे हैं, हरे का सहारा। तो यहाँ पे गाइस रंजना भी आई है। हाँ, मैं तो बीमार है, पता है, देखिए बीमार है, फिर भी मुझसे मिलने आई, कितना अच्छा लगा। सही बात बताओ, मुलाकात होगी हो ही गई। हाँ, ग्लूकोज चढ़ रहा है इनको अभी, 7 दिन 7 दिन लगेगा। हाँ, सही दोनों टाइम। और आजकल आप लोग सेफ्टी से रहिए। सही बात, बाहर की चीज ना खाओ, बिल्कुल ना खाओ। सही बात है, डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा चल रहा है। हम देखिए इतना सतर्क रहते हैं, बाहर के सामान नहीं खाते तब भी। हाँ ये होता है, जो ज्यादा वो करता है तो पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों होता है, जो कि हमें कुछ भी बाहर का नहीं खाते। वैसे कभी हो गया बस आता वगैरह तो खा लिए, वरना नहीं। इतना प्यार कोई भी खाता ही है ना। जीना चढ़ते चढ़ते लेट डाउन। सही बात। क्यों पहले बताया नहीं था। तो गाइस यहाँ पे बन रही है मैगी। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी मैगी दीदी खाओगी, नहीं भैया लोग हैं और तो सभी के लिए बन रही है, तो बनी रहिएगा। अभी हम चलते हैं, सबको देते हैं, क्योंकि सबको लग चुकी है छोटी छोटी सी भूख और पूरा दिन इस टाइम पे हो जाता है। मुझे किचन में काम करते करते इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन धुल के अभी लगाए हैं और सबको देती हूँ, फिर बर्तन हो जाएंगे। और जैसे देखा था वो चली गई है खुशबू, खुशबू चली गई है ना, और खुशबू थी तो थोड़ा बहुत तो काम करा ही लेती थी, बर्तन वर्तन धुल जाते थे हमारे और अच्छा भी लगता था, लेकिन वो चली गई है। चलिए फिर पूरा घर मेरा मैसी मैसी है। मैगी बन तो रही थी, फिर वो मुझसे हो गई नाराज। हाँ। कह रही है मैं नहीं बनूंगी, अब मैं क्या करूं, रूठे हुए को कैसे मनाते हैं आप बताइए। इसको मार झोंक दी पूरा, मार दो,
ये देखो हमने मैगी निकाल ली है और चलते हैं देने के लिए। सब लोग खाओ, बताओ देखो निकाल सही बनी है। कैसी बनी है? अच्छी। उठो खा लो थोड़ा, अभी खाने से हो सकता है। हाँ खाओ। अब रंजना जा रही हैं अपने घर, शाम हो गई है, चेहरा बहुत काला काला दिख रहा है, वैसे भी मेरी तबीयत खराब है ना, तबीयत खराब है, देखिए तबीयत खराब है, इसीलिए तो हम लोग छोड़ने के लिए आए थे नीचे। तो चलिए फिर अभी बने रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय। हाथ रहा ऊपर भाई, ध्यान से हाथ रहा ऊपर, क्यों जल्दी आना अंस, ठीक ठीक हैप्पी बर्थडे अंस। लो लाइट आ गई, बाय। गुड इवनिंग गाइस, तो सभी लोग चले गए हैं और मैं फिर अकेले हो गई, मैं पूजा और अनीता। तो अभी थोड़ा सा आराम कर रही थी क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा थकान रही, पर ब्लॉग अच्छा बन नहीं पाया क्योंकि वो जो उन आई थी ना शरिता, वो 3-4 दिनों के लिए आई थी, उनका भी चैनल है, तो वो सोच रहे थे 3-4 दिन रुकेंगे, शॉर्ट रील्स वगैरह बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे से उनके बारे में हम बताएंगे। तो उन्होंने अभी बोला था दीदी उनकी बच्चा नहीं रुक रहा था तो नहीं बन पाया, तो उन्होंने बोला जब आप मेरे घर आओगे तब हम अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे साथ में, तब बताइएगा मेरे चैनल के बारे में और अपने सब मतलब अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि बिट्टू के रोने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। और गाइस किसी के कमेंट आए थे भैया को लेके कि मैं उनसे मतलब इतना भद्दा कमेंट कि हर एक रिश्ते को बदनाम करने के लिए लोग लगे हुए हैं, हर चीज़ वही नहीं होता है। मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया कि ये भैया वही हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उन्हीं से शादी करोगी, मुझे पता है किसी का घर बर्बाद कर दोगी, ये शादीशुदा है। तो देखो मुझे शादी करनी होगी तो क्या यही एक भैया है? हाँ ये भैया जिनकी मतलब मैं किसी की तीसरी नहीं बनना चाहती, और मेरा रिश्ता एक भाई का है, माना कि हम खून के नहीं हैं लेकिन जो रिश्ता मैंने बनाया वही रहेगा। पता नहीं इंसान की देखने का सोचने का कैसा नज़रिया है। आप लोग मुझसे बहुत सालों से जुड़े हो, इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नेहा कैसी है। और भैया आज से नहीं आ रहे, कब से आ रहे हैं हमारे घर पे, आप लोग देख सकते हो। भाभी भी आई हैं और कितनी अच्छी है। मरी यार ऐसे किसी रिश्ते को बदनाम ना करो, मैं कह दूँ हाँ मैं इनसे शादी करने जा रही हूँ, मैं इनकी वाइफ के बीच में तीसरी बनने जा रही हूँ, नहीं मुझे किसी का घर नहीं बर्बाद करना, वैसे हमारा कोई ऐसा रिश्ता है भी नहीं, हमारा जिससे रिश्ता लगा हुआ है उसी से होगा और जल्दी से जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। प्लीज़ ऐसे अफवाहें मत उड़ाओ मेरे, ऐसे बैड कमेंट मत करो, मुझे बुरा फील होता है, मेरे भैया हमेशा भैया ही रहेंगे जिस तरीके से रिश्ता मेरा बना हुआ है। और इस टाइम पर इतनी थकान है क्योंकि सभी लोग थे और सही से मैं कुछ हो नहीं पा रहा था, मज़ा तो आ रहा था पर थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में, ऐसी भी हो जाता है। तो अब इस वीडियो को हम एंड कर देंगे, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे ब्लॉग के साथ में। और देखा वो चली गई है रंजना आई थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा घर भर गया था। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, दिवाली आने वाली है
अच्छे से इंजॉय करिएगा, लेकिन सावधानी के साथ में, है ना। लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।